इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एमएस एक्सेल की कुछ और बेहतरीन ट्रिक्स। इन ट्रिक्सों के बारे में यदि आप जान जाते हैं तो आप अपने काम को और भी स्मार्ट तरीके से कर सकते हैं। तो बिना देरी के हुए आगे बढ़ते हैं, जानते हैं इन ट्रिक्सों के बारे में। हमारे सामने एक कैलेंडर बना हुआ है जिसमें संडे मंडे से लेकर के सैटरडे तक नाम दिए गए हैं। उनके नीचे यहाँ पे तारीख दी हुई है। अब हम चाहते हैं कि ये जो कैलेंडर है इस समय हॉरिजेंटल जो बना हुआ है इसको हम वर्टिकल बनाना चाहते हैं। तो या तो इसको एक एक चीज़ को टाइप करना है, यानी पहले संडे मंडे को आपको टाइप करना है, इसके बाद में आपको तारीखों को टाइप करना है। इसमें आपका काफ़ी समय लगेगा और मैं आपको एक बहुत ही आसान ट्रिक बता रहा हूँ जिसके द्वारा आप इस कैलेंडर को हॉरिजेंटल से वर्टिकल बना सकते हैं कुछ ही सेकंड में। सबसे पहले आपको कैलेंडर को सेलेक्ट करना है इस तरह से, इसके बाद में इसको कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद में यहाँ पे कर्सर को आपको रख देना है, इससे माउस का राइट बटन प्रेस करेंगे, यहाँ सामने पेस्ट स्पेशल वाला ऑप्शन है। जैसे ही हम पेस्ट स्पेशल वाले ऑप्शन पे प्रेस करेंगे सामने हमारी एक खिड़की ओपन हो जाएगी। यहाँ पे ट्रांसपोज वाला जो ऑप्शन है इस पर हमें क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में ओके प्रेस कर देना है। तो अब आप सामने देख रहे हैं ये जो हॉरिजेंटल टेबल बनी हुई थी वर्टिकल टेबल बन गई है। तो कुछ ही सेकंड में मैंने इसको हॉरिजेंटल से वर्टिकल बना दिया ट्रांसपोज कमांड की सहायता से। तो ये ट्रिक आपके बहुत ही काम आने वाली है। आप किसी भी टेबल को, किसी भी कैलेंडर को या किसी भी डाटा को हॉरिजेंटल से वर्टिकल और वर्टिकल से हॉरिजेंटल बना सकते हैं। आइए जान लेते हैं अगली ट्रिक के बारे में। यह हमारे सामने एक टेबल बनी हुई है। इस टेबल को यदि हम सेलेक्ट करना चाहें तो आप माउस की सहायता से इसको इस तरह से सेलेक्ट कर सकते हैं। अब आप देख रहे हैं कि ये माउस थोड़ा सा बाहर भी निकल गया है, यानी कि ये बाहर का एरिया अगर हमने इस तरह से छोड़ दिया तो ये बाहर का एरिया भी सेलेक्ट हो जाएगा। सिर्फ हम चाहते हैं कि ये अंदर का ही एरिया सेलेक्ट हो। यदि आपका कर्सर किसी कारणवश बाहर रह गया है और आपने कंट्रोल ए को प्रेस कर दिया तो पूरी शीट आपकी सेलेक्ट हो जाएगी। अब हम चाहते हैं कि सिर्फ ये जो हमारी टेबल बनी हुई है सिर्फ उतना ही एरिया हमारा सेलेक्ट हो, इसके अतिरिक्त बाहर से ना कोई रो और ना कोई कॉलम हमारा सेलेक्ट हो। तो इसके लिए आप माउस को कहीं भी प्रेस कर दीजिए, ये जो कर्सर है इसको कहीं भी प्रेस कर दीजिए और कंट्रोल ए जो कमांड है इसको जैसे ही प्रेस करेंगे तो आपका वही एरिया सेलेक्ट होगा जहाँ आपकी टेबल बनी हुई है। आइए जान लेते हैं अगली ट्रिक के बारे में। यह हमारे सामने एक शीट दी गई है जिसमें काफ़ी डाटा दिया गया है और ऊपर यहाँ पे हेडिंग बनी हुई है। अब हमें सबसे पहले देखना है कि ये जो मैटर है कितने पेजों में है। इसके लिए आपको कंट्रोल पी कमांड को जैसे ही आप प्रेस करेंगे तो यहाँ से आप प्रीव्यू देख सकते हैं। यहाँ सामने दिया गया है तीन पेज हैं। तीन पेज में आप पहले वाले पेज पर यहाँ पे हेडिंग देख रहे हैं, इसके बाद में हम जैसे ही दूसरे पेज पे नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ सामने आपको टेबल तो दिखेगी लेकिन उसकी जो हेडिंग है वह आपको नहीं दिखेगी। तीसरे वाले पेज पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे यहाँ भी हमको हेडिंग नहीं दिख रही है। अब हम चाहते हैं कि इन तीनों पेजों के जो ऊपर हेडिंग हमारी बन करके आए, तो उसके लिए बहुत ही आसान ट्रिक है। अब सबसे पहले हम पेज लेआउट पे जाते हैं। पेज लेआउट पर जाने के बाद में यहाँ पे प्रिंट टाइटल वाला जो ऑप्शन है इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये खिड़की यहाँ पे ओपन हो जाएगी। यहाँ सामने लिखा हुआ है रो टू रिपीट एट टॉप। इस पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे इस बॉक्स में क्लिक करने पर हम जो भी हमारा ऊपर हेडिंग बना हुआ है इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद में सिर्फ आपको ओके वाले बटन को प्रेस करना है। अब हम फिर से प्रिंट प्रीव्यू को चेक करते हैं और देखते हैं कि हमने जो कमांड अप्लाई की थी वह हुई या नहीं हुई, यानी कि जो हमारी हेडिंग है सभी पेजों पर अप्लाई हुई या नहीं हुई। सबसे पहले जो ये जो पहला पेज बना हुआ है यहाँ पे तो हेडिंग पहले से ही थी। इसके बाद में हम नेक्स्ट पेज करेंगे यहाँ से तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे भी हमारी हेडिंग दिख रही है। और इसके बाद में फिर तीसरे नंबर पेज पे यानी कि नेक्स्ट पेज यहाँ से करेंगे तो तीन नंबर पेज पर भी ये हमारी हेडिंग आ गई। आइए जान लेते हैं अगली ट्रिक के बारे में। यहाँ हमारे सामने एक टेबल बनी हुई है। अब हम चाहते हैं इसमें से कुछ एरिया को प्रिंट करना, तो इसके लिए बहुत ही आसान ट्रिक है। सबसे पहले आपको जो एरिया है जितना आप एरिया लेना चाहते हैं उसको आप सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ जो प्रिंट एरिया वाला ऑप्शन है पेज लेआउट में उस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद में यहाँ ऑप्शन आता है सेट प्रिंट एरिया। इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो उतना ही मैटर आपका प्रिंट होकर के आएगा जितना मैटर आपने सेलेक्ट किया है। इसके लिए आपको प्रिंट प्रीव्यू में फिर से चेक करना है। यहाँ प्रिंट प्रीव्यू में आप उतना ही एरिया देखेंगे जितना एरिया आपने सेलेक्ट किया है, यानी आपने जो कमांड अप्लाई की है उतना ही एरिया सेलेक्ट हुआ है जितना आप चाहते हैं। आइए अब जान लेते हैं अगली ट्रिक के बारे में। यहाँ हमारे सामने एक टेबल दी गई है। इस टेबल में से हमें मान लीजिए एक दो और तीन, ये तीनों रो यहाँ से हमें हाइड करानी है। तो सबसे पहले इन तीनों को यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ से माउस का राइट बटन प्रेस करेंगे,
इसके बाद में फॉर्मेट सेल पे जाएंगे। फॉर्मेट सेल पे जाने के बाद में यहाँ नीचे कस्टम वाला ऑप्शन है, इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ सामने एक जनरल वाला जो ऑप्शन है ये आपको दिखेगा, यहाँ से इसको डिलीट कर देंगे। डिलीट करने के बाद में यहाँ पे आपको 3 बार सेमी कॉलन टाइप करना है इस तरह से 1 2 3, और यहाँ पे ओके बटन को प्रेस कर देंगे। तो जितना भी हमने यहाँ से एरिया सेलेक्ट किया था उतना सभी डाटा यहाँ से हाइड हो चुका है। तो इस प्रकार से आप किसी भी शीट या किसी भी टेबल से डाटा को हाइड कर सकते हैं। तो ये जो मैंने आपको ट्रिक बताई है, सभी ट्रिक बहुत ही काम की ट्रिक हैं। इन ट्रिकों के द्वारा आप अपने काम को और भी बेहतर तरीके से कर सकते हैं MS Excel में। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।